प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा। हम डियाने में चार लोग हैं, कष्ट तो चारों को है, लेकिन अभी मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। इसे एक साल से कैंसर है। मुंबई में इसका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर ने अभी जवाब दे दिया कि अभी काहे का इलाज चल रहा है। कैंसर का। अच्छा, कहाँ पे कैंसर है? पहले लीवर और पैनक्रियास में था, पर अब पूरी बॉडी में हो चुका है, और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए भी अभी मना कर दिया, और टाइमिंग 4 से 6 महीने। अभी डॉक्टर ने ट्यूमर नहीं देखा ब्रेन में? नहीं, उन्होंने कहा पूरे बॉडी में फैल चुका है और अब ये रुकेगा भी नहीं। सही बेटा, ट्यूमर के कारण ही फैला है हर जगह। ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन का और शरीर का तालमेल नहीं है, ठीक है ना? शरीर का ट्रीटमेंट आपका ब्रेन ही करता है ना? आपके शरीर को बीमार भी आपका ब्रेन करता है, आपके शरीर को ठीक भी आपका ब्रेन करता है, ठीक है? अब असाध्य रोग बन गए हैं, तो चिकित्सा में तो जाना पड़ेगा आपको, कि फैल गया पूरी बुरी तरह से। आंखें बंद करो तुम, जरा देखे तुम। उल्टा चल रहा है, गुदा द्वार से ऊपर की ओर चल रहा है, इसीलिए लीवर चला गया गले तक, ये पहुंच गया पूरा यहाँ तक, इसलिए फूड पाइप वगैरह इसकी जो है गड़बड़ हो गई है। ये बेटा पूरी तरह फैल गया है, इसका जीवन दिखाया जाए। प्राणों को छह रोक दिया जैसे और स्तंभित किया जैसे शिव सभी लोग स्तंभित किए। नियम जितना जल्दी हो सके पालन करो, ठीक है? जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलने देना है। बाबा जी, डॉक्टर ने मना कर दिया कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना है। वो ठीक है, डॉक्टर ने देख लिया कि कुछ है नहीं है ना, तो आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं बेटा ईश्वर के अलावा, ठीक है? आप करिए जो भी अपना ट्रीटमेंट बाहर कर सकते हैं, आयुर्वेदिक करिए। मैं अभी आयुर्वेदिक के लिए ही जा रही थी, पर रास्ते में ही मैं यहाँ पे उतर के आ गई, तो अभी आयुर्वेदिक इसका करवा। हाँ, वो करिए आप आयुर्वेदिक, ठीक, कम से कम उससे नुकसान तो नहीं होता बॉडी को। उनको जो करना था डॉक्टर्स ने अपना कर लिया, उनके बस का नहीं है, बाहर हो गया है। बस का मतलब कि बोलना नहीं है सुबह सुबह, ठीक है? जितना जल्दी हो सके दरबार नियम पालन करो, जिसके कारण देखो मैं तुमको सही सही बात बताऊँ, ये कैंसर तुमसे ट्रांसफर हुआ है इसको, ठीक है? तुमसे इसमें आया है, उसमें नहीं कैंसर था, इसलिए चांसेस दिख रहे हैं। तो दरबार नियम पालन करो, बस इतनी कहेंगे, ठीक है? धन्यवाद गुरु जी।